हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है और हम लोग जो है रीजनिंग में आज उसके आगे चर्चा करेंगे। मैंने बताया दोस्तों कि आप जो है किसी भी एग्जाम में बैठिए, अगर आप रीजनिंग ये श्रृंखला पूरी पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपको उससे बाहर मिले। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइव कमेंट में आ जाइए। एक बार दोस्तों सभी लोग कमेंट में आ जाइए। देखिए, हमने जो है क्वेश्चन भी लिया हुआ है, आज इन सभी प्रश्नों पर आज हम जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक, तो ये सारे प्रश्न हमने लिए हैं दोस्तों और इसकी जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दी जाएगी दोस्तों। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दी जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दी जाएगी। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से वो वहाँ जुड़ जाएँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने दोस्तों एक चीज सीखा था। क्या सीखा था कल हम लोगों ने? सीखा था दोस्तों कि जो अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स क्या हैं। ठीक, तो कुछ देर में एक दो अंक पूछता हूं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आर का कोड कितना होगा। जी हां दोस्तों, आर का कोड कितना होगा बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया दोस्तों। संदीप, दीपक, मुकुंद, गौरव, ठीक है, आप बताइए पी का कोड कितना होगा दोस्तों, पी का कोड कितना होगा। ठीक है, मतलब याद किए हैं आप लोग। चलिए, तो दोस्तों याद रखिएगा जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए हैं उसमें जो पहला टॉपिक हम लोगों का है वो अल्फाबेट्स है। और हम लोगों ने कल अल्फाबेट्स का जो अल्फाबेट्स में जो नॉर्मल चीज था, नॉर्मल क्वेश्चन था, वो हमने दोस्तों देखा। ठीक, आज हम उसी के आगे अल्फाबेट BET अल्फाबेट में आज हम दोस्तों उसी के आगे चर्चा करेंगे अल्फाबेट। तो देखिए, अब इसमें कितने टाइप बनते हैं दोस्तों याद रखिएगा। अल्फाबेट में दोस्तों पहला टाइप तो आपका होता है कि अक्षरों की स्थिति, अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना पहला। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है विपरीत क्रम की वर्णमाला, ठीक, विपरीत क्रम की वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं फिर वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला में मध्य का अक्षर ज्ञात करना। ठीक है, वर्णमाला के में मध्य पद ज्ञात करना। और चौथा है दोस्तों, वर्णमाला में अगला क्या है, मध्य का अक्षर ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, मध्य का अक्षर ज्ञात करना। उसके बाद दोस्तों हम लोग अक्षर युग्म पहचानना सीखेंगे। अक्षर युग्म मतलब अगर मान लीजिए आप ही का किसी का नाम ले लेता हूं, मैं संदीप मान लो ले लेता हूं, और अगर मैं कह दूं कि इसमें से कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जो ठीक उसी स्थान पर हैं जिस स्थान पर वर्णमाला में होते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अक्षर युग्म में पढ़ते हैं। उसी के बाद दोस्तों देखिए, अक्षर युग्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी, छठा नंबर। डिक्शनरी में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों उसमें रहता है कि डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित करिए, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे कौन आएगा, ये चीज। उसके बाद सातवां दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि अक्षर की दूरी पर आधारित। जी हाँ दोस्तों, अक्षर की दूरी पर आधारित। ठीक, तो ये सात टाइप है दोस्तों, ये सात टाइप हम लोग वर्णमाला वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अर्थात अल्फाबेट्स में पढ़ेंगे। ठीक, उसी के बाद जब आप कोडिंग डिकोडिंग हल करना शुरू करेंगे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं रहेगा जिसको आप डिकोड ना कर पाए। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, कहीं कोई समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। देखिए जब पढ़ाता रहता हूँ तो इसलिए आपका कमेंट नहीं लिख पाता दोस्तों, लेकिन चिंता ना करिए, शीघ्र ही आपके साथ लाइव सेशन होगा, उसमें पढ़ाई नहीं सिर्फ बात ही होगी एक क्लास में। तो
तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है आज का। तो अल्फाबेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अल्फाबेट्स में दोस्तों हमने बताया क्या कि सबसे पहला चीज तो हमने बताया, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे कि अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न। ठीक, आज हम लोग जो देखेंगे दो नियम आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। पहला नियम अक्षरों की स्थिति। पहला नियम है दोस्तों अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, पहला नियम हम लोग आज देखेंगे अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न। इसमें देखिए नंबर एक में क्या है, चार नियम बताऊंगा, चार पॉइंट मतलब बताऊंगा इसमें, और चार पॉइंट में आपका अक्षरों की स्थिति का जितना भी प्रश्न है सब खत्म हो जाएगा। ठीक, पहला प्रश्न दोस्तों, यही आपकी वर्णमाला है। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी वर्णमाला है। इसमें दोस्तों ये है आपका बायां, ये है आपका दायां, ये है आपका लेफ्ट, ये है आपका राइट। ठीक, सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको लेफ्ट पता है कि लेफ्ट से कोई संख्या यक्स नंबर पर है, लेफ्ट से कोई संख्या यक्स नंबर पर है, तो यही मान लीजिए यहां पर है यक्स, ये आपका लेफ्ट से दोस्तों यहीं पर मान लीजिए कोई भी संख्या हो, कुछ भी मान लीजिए, अगर कह दूं कि ये जो है वो नहीं है दोस्तों, वो नहीं है, मान लीजिए ये ऐसे कर दिया मैंने। ठीक, अब अगर कह दिया जाए कि लेफ्ट से ये यक्स नंबर पर है, तो राइट से दोस्तों राइट से किस नंबर पर होगा, तो 27 माइनस यक्स कर देंगे। याद रखिएगा, अगर हमको लेफ्ट से किसी संख्या का नंबर पता है, ठीक, क्या चीज पता है, लेफ्ट से किसी संख्या का नंबर पता है, तो करेंगे क्या दोस्तों, 27 में से यक्स यानी कि वह संख्या घटा देंगे तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। जैसे पी का दोस्तों, पी का नंबर होता है लेफ्ट से 16, सभी को पता होगा दोस्तों, कल मैंने बताया था पी का मतलब 6 की तरह दिख रहा है, 6 की तरह दिख रहा है तो मतलब 6 तो होगा नहीं, चूंकि यप का होता है, तो बचा क्या 16। तो पी का तो 16 होता है लेकिन लेफ्ट से होता है मतलब बाएं सिरे से होता है। ठीक, अब अगर इसी को कह दिया जाए कि राइट से किस नंबर पर होगा, तो 27 में से दोस्तों 16 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, राइट से ये होगा दोस्तों 11वें नंबर पर। राइट से कितने नंबर पर होगा दोस्तों, 11वें नंबर पर होगा। कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, कहीं कोई समस्या हो बताइए, कमेंट करिए दोस्तों, कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। ठीक है, ठीक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहला नियम तो ये हो गया दोस्तों कि बाएं को दाएं में कन्वर्ट कैसे करेंगे और दाएं को बाएं में कन्वर्ट कैसे करेंगे। मतलब दोस्तों अगर यही चीज राइट दिया रहे, जैसे अगर कोई संख्या रहे और यही संख्या बता दे कि ये राइट से यक्स नंबर पर है दोस्तों, तो अगर लेफ्ट से निकालने के लिए कहेगा तो इसको भी हम 27 में से घटा देंगे। मतलब चाहे हमको लेफ्ट से राइट में जाना हो, चाहे हमको राइट से लेफ्ट में जाना हो, 27 में से घटा देंगे, हम पहुंच जाएंगे वहां। क्लियर, एक चीज क्लियर। आगे देखिए दोस्तों नंबर दो, अगर आपको लेफ्ट और प्लस लेफ्ट मिल जाए, मतलब लेफ्ट प्लस लेफ्ट मिल जाए या बायां प्लस बायां मिल जाए, तो इसका जो मान होता है दोस्तों वो घट जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। ठीक, और घटने के बाद यल लिखा जाता है, एक मिनट रुक जाएगा दोस्तों, यल लिखा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, ठीक, क्या कह रहे थे, तो अगर आपको बायां प्लस बायां मिल जाए, मतलब जैसे कह दिया जाए कि आपके बाएं सिरे से पांचवें के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होगा,
क्या बताया हमने दोस्तों, आपके बाएं सिरे से पांचवें के चौथा कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों बाया और बाया, अगर दोनों बार बाएं बाएं जाएंगे तब भी आपका बाया ही लिखा जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगला क्या है, अगर आपको राइट प्लस राइट दिया जाए तब भी दोस्तों घट जाएगा और आर ही लिखा जाएगा, ठीक, घट जाएगा और क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। अभी इस पर प्रश्न में लेता हूं दोस्तों। अगला दोस्तों चौथा देखिए, अगर आपको लेफ्ट प्लस राइट दिया जाएगा तो लेफ्ट लिखा जाएगा और दोनों जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपका राइट प्लस लेफ्ट दिया जाए तो दोस्तों राइट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर प्रश्न देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम प्रश्न देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं प्रश्न इस पर। सुनिएगा दोस्तों, अगर कह दिया जाए, ठीक, अगर कह दिया जाए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के, क्या बताया हमने दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से दसवें अक्षर के दाईं ओर दसवां अक्षर कौन होगा। जी हां दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से दसवें अक्षर के बाएं चारवां अक्षर क्या होगा। जी हां दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से दसवें अक्षर के बाएं चारवां अक्षर क्या होगा। जी हां दोस्तों सुनिएगा, हमने कहा दोस्तों यही आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है, बाईं ओर से दसवां, भाई बाईं ओर से दसवां मान लीजिए, यही आपका बाईं ओर से दसवां नंबर है। अब इसके बाएं चौथा, तो इसका बायां दोस्तों इधर होगा, इधर इसका बायां होगा, इधर इसका दायां होगा, तो इसके बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, अर्थात अब हम लोग कहां आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं चार अक्षर, इसीलिए सूत्र में दोस्तों मैंने बताया घट जाएगा, ठीक। क्योंकि क्या कह रहा है, बाईं ओर से दसवां के बाएं चौथा, दोनों बायां ही है दोस्तों, और मैंने कहा कि अगर बायां रहेगा तो घट जाएगा और जो लिखा रहेगा वही लिख दिया जाएगा, तो यल और दस में से चार गए दोस्तों छह। अब बताइए बाईं ओर से छठवां किसका कोड होता है दोस्तों, छह हमने बताया दोस्तों यफ की तरह है, अगर हम इसको ऐसे कर दे दोस्तों तो ये हमारा उल्टा यफ बन रहा है ना, यही चीज तो था, तो यही चीज आपका छह है, तो यफ आपका हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा यफ। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, पहला क्वेश्चन यही है दोस्तों। जैसे अगर मैं कह दूं कि बाई ओर से पंद्रहवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीनवां अक्षर लिख दे रहा हूं दोस्तों, तीनवां अक्षर कौन सा होगा। तो अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अब यहां कितना गए दोस्तों, यहां गए पंद्रह, अब दोस्तों ये आए कितना, पंद्रह आए लेफ्ट से पंद्रह आए दोस्तों। अब बाएं जाना है अर्थात पीछे जाना है कैसरा तीन अक्षर, यानी कि पंद्रह में से आप तीन घटा दीजिए तो बारह बचेगा, अर्थात लेफ्ट से बारह, और बारह होता कितना है किसका दोस्तों, किंग इलेवन पंजाब बताया था, तो के बाद यल आता है दोस्तों, तो यल से हो गया हमारा बारह, कहीं कोई दिक्कत दोस्तों। जैसे अगर ये तो था दोस्तों, अगर दोनों बाया दिया रहे,
अभी जब प्रश्न पर डिस्कस करेंगे दोस्तों तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अभी तो हम लोग केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एक दो दो एग्जाम्पल, फिर एक एक सीरीज पूरी चलेगी तो शायद इसमें देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चन है इसमें। ठीक, 30 क्वेश्चन है दोस्तों, तो 30 क्वेश्चनों पर मैं पूरा डिस्कस करूंगा। अगर बाई ओर से 22वें अक्षर के बाई पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कलम चलाने की जरूरत है दोस्तों, बताइए, कलम चलाने की जरूरत है। दोनों बाया है, बाया हो जाएगा, 22 में से 5 घटा दीजिए कितना आएगा दोस्तों, 7 × 5 = 12 यानी 17, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यल 22 − 5 = यल 17, और 17 मतलब देखिए 7 यही है ना दोस्तों, तो क्या हो गया, क्यों हो गया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा टाइप, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 3वां अक्षर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, ये भी दाया है, ये भी दाया है। मैंने कहा कि या तो दोनों दाया रहे या तो दोनों बाया रहे तभी घटेगा, और घटने के बाद जो लिखा रहेगा वही लिख दिया जाएगा दाया, यानी कि यार 12 और 3 तो 12 − 3 यानी कि आर 9, कोई दिक्कत दोस्तों, आर 9 आ गया। और हमने कहा, क्या कहा, कि आर से हम लोग अक्षर नहीं याद करते, जो हमने कोड याद किया है दोस्तों, हमने जो कोड याद किया है वो लेफ्ट से याद किया है, कि एक नंबर पे ए, दो नंबर पे बी, तीन नंबर पे सी, चार नंबर पे डी, पांच नंबर पे ई, ये मैंने लेफ्ट से याद किया है, लेकिन यहाँ पे राइट लिखा है, तो इसको अगर हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो मैंने कहा 27 में से आप घटा दीजिए तो अर्थात कितना आएगा दोस्तों, लेफ्ट से 18 आ जाएगा, और 18 का मतलब दोस्तों आर, 18 का मतलब आर, कैसे दोस्तों, आर ऐसे ही बना है और इसको मिला देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 यच का होता है तो यच होगा नहीं, अर्थात 18 हो जाएगा आर का, तो यही है दोस्तों आर आ जाएगा आंसर। जैसे एक प्रश्न और अगर लें कि दाएं से